नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल, कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी कैसे बनाते हैं। कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा किलो कच्ची कैरी, एक कप बारीक पीसा हुआ प्याज, आधा कप चीनी या स्वादानुसार चीनी, आधा कप तेल, एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल स्पून बड़ी सौंफ, 7-8 कड़ी पत्ता, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून हींग, नमक स्वाद अनुसार, एक कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कैरी लेना और उसको अच्छे से धो लेना। धोने के बाद उसके ऊपर का थोड़ा पोर्शन निकालना और उसको छील लेना और सभी कैरियों को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना। सभी कैरियों को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और कट करने के बाद जो गुठलियाँ बच जाती है उसे फेंकिए मत, उससे कई प्रकार की रेसिपी बनती है। गैस पर एक कढ़ाई रखना, कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें तेल डालना, तेल को थोड़ा गर्म होने देना। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तब उसमें बड़ी सौंफ और जीरा डालना। जैसे ही बड़ी सौंफ और जीरा चटकने लगे तब उसमें कड़ी पत्ता, नमक, हींग डालना और प्याज की प्यूरी डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है। प्याज के प्यूरी को कम आंच पर 10 मिनट तक भूनते रहना। 10 मिनट बाद प्याज की प्यूरी भूनकर तैयार हो चुकी है। इस प्यूरी में से तेल अलग होने लगा। जब प्याज में से तेल अलग होने लगे तब उसमें कटे हुए कैरी के टुकड़े डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए इसे बीच बीच में हिलाते रहना। 10 मिनट के बाद सब्जी कुछ इस तरह पक जाएगी। फिर इस सब्जी में स्वादानुसार चीनी डालना। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना, जिससे चीनी अच्छे से सब्जी में घुल जाएगी और सब्जी खाने में खट्टी मीठी और चटपटी लगेगी। 5 मिनट के बाद कैरी के टुकड़े को इस तरह तोड़कर देख लीजिए, टूट रही क्या। अगर कैरी का टुकड़ा टूट रहा तो सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पर हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस सब्जी को एक बाउल में निकाल लीजिए और इस सब्जी पर बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लीजिए। इस कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी को आप फ्रिज में 4-5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। कच्चे कैरी की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी यह बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।